भारत माता की इनकलाब इनकलाब आम आदमी मंच पर आसीन पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के किसानों की नौजवानों की आदिवासियों की माताओं बहनों की आवाज को बुलंद करने के लिए अनशन पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष नर्मदा के लाल आलोक अग्रवाल और उनके सभी साथियों को जो आज पिछले 6-7 दिनों से अनशन पर बैठे हैं उनको हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इस आंदोलन के माध्यम से अपने इस त्याग के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया है और आपकी आवाज मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच रही है, किसानों तक पहुंच रही है, दूसरे राज्यों के जो साथी हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, पंजाब के हों, उनके तक भी पहुंच रही है कि अगर मध्य प्रदेश में आलोक अग्रवाल जी किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में भी किसानों की आवाज को बुलंदी से उठाना है, मजबूती से उठाना है और उसके लिए संघर्ष करना है। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही। साथियों, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो क्या वादा किया था किसानों से, आपको याद होगा, क्या वादा किया था इस देश के युवाओं से, क्या वादा किया था माताओं बहनों से, कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 84% रोजगार मोदी जी की सरकार में घटा है, कहा था 1.5 गुना दाम फसल का देंगे, फसल का 1.5 गुना दाम तो देना दूर की बात है, मंदसौर में जब किसान अपने फसल का दाम मांगने के लिए जाता है तो शिवराज सिंह की जालिम सरकार उनके ऊपर गोलियां चलवाने का काम करती है। ये सरकार जनरल डायर की तरह इस देश के, इस प्रदेश के लोगों के साथ, किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। मुझे शर्म आती है, साथ साथ किसानों को मौत के घाट उतार देती है सरकार। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार और हक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था अखबारों में, मंदसौर की मंडी में एक किसान अपना लहसुन बेचने के लिए गया, जब उसको लहसुन का दाम नहीं मिला तो अपना लहसुन छोड़ के चला गया। 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो लहसुन बेचना पड़ता है किसान को, जो अपना खून पसीना बहाता है खेत में, लहसुन की पैदावार करता है और जब उसका लहसुन नहीं बिकता, उसका उसकी फसल नहीं बिकती, उसका दाम नहीं मिलता तो किसान मंडी के अंदर आत्महत्या करके मर जाता है। हम सबको इस आवाज को मजबूती से उठाना है, बुलंदी से उठाना है, क्योंकि आज जो सरकार चल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार हो, इसका एक ही काम है, जो भी अच्छा काम करता है उसके गले को दबाओ, उसके ऊपर सीबीआई के छापे डलवा दो, ईडी के छापे डलवा दो, पुलिस के छापे डलवा दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी आपके जुल्म और जाति से ये आम आदमी पार्टी की फौज डरने और झुकने वाली नहीं है। तुम कितनी आवाज दबाओगे हमारी, हमारे 22 मुख्य विधायकों के ऊपर FIR दर्ज कर दी, मुकदमे लिख के जेल में डाल दिया, ऐसे घिनौने आरोप लगाए जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता, और 14 विधायकों को अदालत ने बरी कर दिया, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी 22 विधायकों पर मुकदमे लिखकर उनको जेल में डालने का काम किया, और जब मुकदमे लिखे गए तो मीडिया भी उनके साथ राग से राग आलापने में जुट गया। जो मोदी जी कहते हैं वही मीडिया कहता है, जो भाजपा कहती है वही मीडिया कहता है, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन जब 14 विधायक हमारे अदालत से बरी हुए तो 4 लाइन की छोटी सी खबर किसी अखबार में छप जाती है, उसको बताने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है।
सत्येंद्र जैन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या गुनाह है उनका, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं जहां पर 200 जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, गरीब आदमी को उसके मोहल्ले में इलाज मिल जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर उस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन मुझे शर्म आती है कि मोदी जी की सरकार को सत्येंद्र जैन का काम नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि उसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने के लिए अच्छे और योग्य इंजीनियर रखने का काम किया, तो उसके ऊपर सीबीआई छोड़ दिया। अगर सत्येंद्र जैन ने नीरव मोदी की तरह हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया होता तो मोदी जी उसको अपने बगल में खड़ा करके फोटो खिंचवाते जैसे नीरव के साथ खिंचवा रहे। लेकिन उसने तो 300 करोड़ रुपए बचाने का जुर्म कर दिया, इसलिए पहले उसके बेटी के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा लिखा, फिर सीबीआई की जांच 2 साल तक चली। जब बेटी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला तो कल फिर तोता पहुंच गया घर पे। तोता समझ रहे हो ना, तोता किसको कहते हैं, पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश वाले भी जानते हैं, सब जानते हैं तोता किसको कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले जब अच्छा काम करते हैं तो तोता चोंच मारने पहुंच जाता है, अपना चोंच मारने पहुंच जाता है, कभी राजेंद्र कुमार पे चोंच मारने पहुंच जाता है, कहीं अरविंद केजरीवाल पे चोंच मारने पहुंच जाता है, कहीं तोता मनीष सिसोदिया पे चोंच मारने पहुंच जाता है। लेकिन आज पूरे देश के उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं, मोदी जी तोतों के दम पर देश नहीं चलेगा, जनता के दम पर देश चलेगा, याद रखना इस बात को। छोड़ो तोते जितना छोड़ना चाहते हो, तुम्हारे तोतों से हम लोग डरने वाले नहीं है। आज 1 लाख से ज्यादा वोटों से कहराना तुम हार रहे हो, देश की जनता ये बताने का काम कर रही है, तुम तोतों के दम पर काम करो, हम जनता के दम पर काम करके दिखाएंगे और तुमको हराने का काम करेंगे। नूरपुर की उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट तुम हार रहे हो, तुम महाराष्ट्र के अंदर हार रहे हो, देश के उपचुनाव के परिणाम इस बात का संकेत है कि जो सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगा सकती, जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, जो सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के फसल का 1.5 गुना दाम नहीं दे सकती, उस सरकार को हराने के लिए पूरा देश से एकजुट होकर इनको हराने का और इनको राजनीति के गर्त में पहुंचाने का काम करेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह हमारी लड़ाई को एक दिन की लड़ाई नहीं है। हमने अन्ना जी के आंदोलन से अपने मुद्दों के ऊपर लड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का आंदोलन पूरे देश में चला, उसके बाद पार्टी बनी, 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। मैं तो कई बार सोचता हूं, पंकज भाई आज आम आदमी पार्टी के पीछे भाजपा क्यों पड़े हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। हमने 5 सालों के अंदर दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने का काम किया, पंजाब गए तो हमको 22 सीटें आई, मुख्य विपक्षी दल बनकर हम आए, गोवा जैसे सुदूर राज्य में गए तो 6% वोट मिला जो एक मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए होना चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर 50% जीत के आए, 4 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 50 से ज्यादा पार्षद हैं, 2 चेयरमैन हैं, और मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज गया है, 2018 में आपके हक में यहां की जनता फैसला देगी। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है, इन बेईमानों से लड़ना है तो आलोक भाई आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपके अपने लिए नहीं। मैं जानता हूं आपके संघर्ष को, जानता हूं आपके आपके आंदोलन करने की क्षमता को, जानता हूं मैं, जानता हूं कि नर्मदा के अंदर आपने अपने पैरों को, अपने शरीर की चमड़ियों को 30-30 दिन तक पानी में रह के जल सत्याग्रह करके गलाने का काम किया है। आपके संघर्ष को मैं नमन करता हूं, आपके संघर्ष को सर झुका के सलाम करता हूं। मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि आप अपनी जान दे सकते हैं लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन ये प्रश्न
ये सवाल सिर्फ आलोक अग्रवाल का नहीं है, ये सवाल आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है, ये सवाल माताओं बहनों का है, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता का है, जिनको भरोसा और यकीन है कि आप उनकी लड़ाई अंतिम दम तक आगे तक मजबूती से लड़ेंगे, और इसके लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। ये बेईमान तो चाहते हैं हम लोग मर जाए, ये बेईमान तो चाहते हैं हमको गोलियों से भून दिया जाए। आप अनशन करिए, आंदोलन करिए, धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन कभी भी अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से लंबी चर्चा की, पंकज गुप्ता जी की बातचीत हुई, हम सारे लोगों ने बातचीत करने के बाद एक निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है वो आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं, अनुरोध आपसे करने के लिए आया हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के गांव गांव तक पहुंचाना है, किसानों की आवाज को मध्य प्रदेश के एक एक जिले में पहुंचाना है, एक एक कार्यकर्ता तक, एक एक किसान तक पहुंचाना है, और इसके लिए जरूरी है कि आलोक अग्रवाल स्वस्थ होके मजबूती के साथ सड़क पर उतरकर इन बेईमानों के खिलाफ आंदोलन करें। अनशन आपने 6 दिन किया, इन 6 दिनों के अनशन से मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हुआ, आपके त्याग से उसके अंदर ऊर्जा पैदा हुई, मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में संदेश गया, नौजवानों में संदेश गया, माताओं बहनों में संदेश गया, हर आदमी आपके साथ सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आपके लिए लेके आया हूं कि अब आगे और अनशन मत कीजिए, इस अनशन का समापन आज करके एक लंबी लड़ाई की तैयारी कीजिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। ये समय की मांग है, ये जरूरत है हमारी, इसलिए कि आज एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति लेकर जो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आई है, अगर उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए, अगर कहीं से कोई कमजोरी हो गई, कहीं से कोई खतरा आपके जीवन को हो गया, तो यहां का कार्यकर्ता अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, और आप जैसा ऊर्जावान साथी भी हम लोगों को नहीं मिल पाएगा दूसरा। इसलिए मैं आपसे निवेदन और विनती करता हूं, पंकज गुप्ता जी हमारे यहां पर मौजूद है, राष्ट्रीय सचिव जी, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, और बाकी जो हमारे साथी अनशन पर बैठे उनसे भी अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मुझे पता चला कि दूसरे दिन से ही लगातार उल्टियां हो रही हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन अपने जुझारूपन की वजह से, अपनी आत्मशक्ति और अपने आत्मबल की वजह से आप लगातार जिद करके अनशन कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अपने अनशन का समापन कीजिए, और एक लंबी लड़ाई के लिए हम सब लोगों को तैयार होना है, हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं, कोई भी आंदोलन हो, हमारा तरीका है कि हम जनता से जो लोग आंदोलन करते हैं उनसे भी राय लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो संदेशा भेजा है कि आलोक भाई और उनके साथी आज अपना अनशन तोड़ दें और आगे आंदोलन के लिए सड़क पर लड़ने की एक लंबी भूमिका बनाए, एक लंबी योजना बनाए, उस पर अगर आप लोगों की सहमति हो तो हाथ उठाकर अपना समर्थन दे, सबका समर्थन है। इसलिए सबके निवेदन को आप लोग मानिए और आज अनशन का समापन कीजिए। भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी, वंदे, भारत माता की, बहुत बहुत शुक्रिया।